Welcome back to all of you, and in this video we will discuss chemical surface chemistry. That is the first chapter. Here I am taken in the physical chemistry, right, of class 12. So it is an important chapter for both point of view, also for before this is this chapter, the electrochemistry, which was the chapter 3 in physical chemistry, or basically chemistry of class 12, right, is written. So I am not taken right now that chapter, but here I am taken surface chemistry, and it is the first lecture. So focus on this lecture, and you will get more benefit because it is again an important for both point of view, which I had also analyzed, right. So let us start this video. So friends, इस लेक्चर में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ. जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो प्रोबेबल चांस है जिसका एग्जाम्स में आने का क्वेश्चन, वो होता है डिफरेंसेस. पुश में डिस्टिंग्विश भी किया जाता है, और मोस्टली स्टार्टिंग में जब हम बात करें तो जैसे आपका एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन है, वो फेनोमेना, ठीक है, क्योंकि फिजिकल सरफेस केमिस्ट्री से यही ब्रांच को बेसिकली डील करता है, ठीक है. सो जब हम बात करते हैं एड्सॉर्प्शन की, बेसिकली ये क्या है, ये एक सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस पे होने वाली फिनोमेना होती है, नॉट इन द इनसाइड द बल्क ऑफ अ यू कैन से सॉल्यूशन, क्लियर. सो ये सरफेस पे फिनोमेना होता है जिसपे सारे मॉलिक्यूल जो है एक तरह इकट्ठा होते हैं, क्लियर. और जब एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं, बेसिकली दो तरह का होता है, वन इज द फिजिसॉर्प्शन एंड सेकेंड इज द केमिसॉर्प्शन, ठीक है. तो ये डिस्टिंग्विश आप लोगों को करना है, तो प्लीज़ आप लोग नोट एक कॉपी लेकर बैठिए और नोट डाउन करिए जो मैं डिस्टिंग्विश कराऊंगा. हालांकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 126, इट इज इन इंपॉर्टेंट, सो राइट डाउन क्लियर विद कंसंट्रेट. ओके, सो पहला डिफरेंसेस जो होता है, ठीक है, जो आप लोगों को समझना है, बेसिकली मैं इस लेक्चर से मैं यही सिर्फ मेरा फोकस है कि लेंथी वीडियो ना बनाएं, और मैं कम लेक्चर में उन चीज़ों को आपको क्लियर करूं जिससे आपका माइंड ईजिली, बेसिकली कम, यदि कम मिनट का जब हम लोग वीडियो देखते हैं ना, तो हम लोग का माइंड ईजिली इंटरेस्ट लेता है, ठीक है. जब हम लोग इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में सेव हो जाएगा, क्लियर. सो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है कि ये जो नोट्स बनाऊंगा सिर्फ उसको रिवाइज कर लेना है, और उसको एनसीईआरटी से एक बार फॉलो करना है, क्लियर. इसीलिए एनसीईआरटी को अपने पास रखिए खोल के, ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो पहले कंसंट्रेट के साथ. तो देखो, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन है, बेसिकली पहला डिफरेंस तो ये होता है, फिजिक्स ऑप्शन इट इज अराइजेज ड्यू टू द वंडरवॉल फोर्सेस, राइट, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, क्लियर. जबकि केमिस ऑप्शन ऑन द अदर एंड जो होता है वो केमिकल बॉन्ड की वजह से होता है, क्लियर. दूसरा डिफरेंसेस जो होता है, जो फिजिक्स ऑप्शन है वो नॉट स्पेसिफिक होता है, ठीक है, नेचर में वो उसका स्पेसिफिक वो नहीं है जितना एज कम्पेयर टू केमिस ऑप्शन है. सो सेकंड डिफरेंस क्या होगा, केमिस ऑप्शन इज अ स्पेसिफिक इन नेचर, क्लियर. और तीसरा पॉइंट होता है फिजिक्स ऑप्शन जो होता है, ये क्या है, आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी जब इसका आप केमिकल रिएक्शन कराओगे तो ये रिवर्स में इसका पॉसिबिलिटी, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन इन द सेंस वॉट, जैसे कि बैकवर्ड से फॉरवर्ड जाएगा, फिर फॉरवर्ड से फिर बैकवर्ड आ सकता है, क्लियर. जबकि केमिस ऑप्शन जो होता है ये इरिवर्सिबल इन नेचर होता है, क्लियर. और फिजिक्स ऑप्शन जो होता है डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ गैस, यानी कि गैस का नेचर आप कैसा ले रहे हैं, दैट ऑन दैट फिजिक्स ऑप्शन इज ऑल्सो डिपेंड्स, क्लियर. जबकि आपका केमिस ऑप्शन भी डिपेंड करता है, केमिस ऑप्शन भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, लेकिन गैस जो विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट शोज केमिस ऑप्शन. बेसिकली क्या है, जो गैसेस होती है वो एड्सॉर्बेंट पे क्या होना चाहिए, शो होनी चाहिए, तभी आप केमिस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो, केमिस ऑप्शन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो, क्लियर. तो इन फोर मेन हम लोग फंडामेंटल डिफरेंसेस देख चुके हैं, ठीक है. स्पेसिफिक होता है कौन, केमिस ऑप्शन, इरिवर्सिबल प्रोसेस है केमिस ऑप्शन, इसका जस्ट अपोजिट आपको फिजिक्स ऑप्शन के लिए बनाना है, ठीक है. एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो, लाइक नीट एंड एम्स, राइट, कि जो फिजिक एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन जो होता है वो किसका लो किसका हाई होता है, इस पर भी एमसीक्यू बन सकता है, क्लियर. सो जो लो होता है वो किसका होता है, फिजिक्स ऑप्शन का होता है, जबकि एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई फॉर केमिस ऑप्शन, क्लियर. तो ये डिफरेंसेस था, ठीक है. और लो टेम्परेचर जो होता है वो फेवरेबल होता है किसके लिए, फिजिक्स ऑप्शन के लिए, क्लियर. और ये जो है एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट आपको राइट डाउन नहीं करना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लेना, ठीक है. एट पॉइंट जो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक, सरफेस एरिया पे, और ये इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, यानी जब जितना आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे वो उतना ही आपका फिजिक्स ऑप्शन जो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है. ओके, सो ये आपका था क्या, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन के बीच. अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की, दैट इज नोन एज
फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था कि बिफोर द एग्जाम्स मैंने इसको 3 से 4 बार रिवाइज भी डायग्राम इसका बना बना के मैंने प्रैक्टिस की थी, ठीक है। और ये एक एग्जाम इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली, क्योंकि इस पर बहुत बार मोस्टली सिर्फ ग्राफ पे देखे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका ग्राफ है, आइडेंटिफाई द ग्राफ, राइट। सो जो फिजिक्स ऑफ फ्रेंडली आइसोथर्म फिगर 5.2 दिया हुआ उसको भी देखना है। उसमें देखो स्लोप है, बेसिकली स्लोप क्या बताता है, 1 पाउंड एन को इंडिकेट करता है, और के जो है लॉग के वो क्या इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट जो होता है वो अपन आप हम लोगों का जो होता है वो किस पे होता है, वाई एक्सिस पे होता है, लिया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली ये इसका फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉग ऑफ एक्स अपॉन एम दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के प्लस 1/n, 1/n क्या था, स्लोप था, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ पी, क्लियर। आपको इसको सिर्फ एज इट इज याद करना है, दैट इज लॉग ऑफ एम, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एम दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के प्लस 1/n इंटू लॉग ऑफ पी, क्लियर। और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू आइडेंटिफाइड गिवन दी हुई है ऑलरेडी, क्लियर है। जैसे कि लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन भी गिवन है, लॉग ऑफ 1/n क्या आपका इंटरसेप्ट है, राइट, ओके। और देखो एड्सॉर्प्शन जो होता है ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है, प्रेशर पे क्या है ये इंडिपेंड नहीं करता है, क्लियर है, एड्सॉर्प्शन बेसिकली। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो एज इट इज होते हैं एनसीईआरटी पे, लेकिन बस ये है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन सब के टर्म्स में, राइट, टर्मिनोलॉजीज में बेसिकली। तो एक और पॉइंट है, पॉइंट डाल के लिख लीजिए, दैट इज एक्स अपॉन एन दैट इज इक्वल्स टू के सी, के इंटू सी, सी इज द कंसंट्रेशन इंटू 1/n, क्लियर। ये वैल्यूज है बेसिकली, ये फॉर्मूला, इसको आपको ऐसे चीज याद रखना है। और इसका जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन लॉग लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, लॉग ऑफ एक्स अपॉन एम दैट इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ के हो जाएगा प्लस 1/n इंटरसेप्ट, राइट, इंटू लॉग ऑफ सी, क्लियर। इसको भी आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है अभी, क्लियर। तो ये लॉग ऑफ एक्स अपॉन एन और लॉग ऑफ सी का जो ग्राफ होता है वो लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है, इसको भी राइट डाउन कर लो, इन सी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्लियर, ओके। सो यहाँ पे और भी प्रोसेसेस होती है, जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसकी, एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन की, इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, ठीक है, गैस मास्क, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, राइट, हेट्रोजीनस कैटालिसिस को बनाता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर लिया था आई थिंक, तो उसमें मैंने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में डिस्कस किया था, जबकि वो सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है, ठीक है। बट हेयर आई एम डिस्कसिंग दैट नॉट दैट दैट बेसिकली हेयर आई एम डिस्कसिंग और एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विच इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर, बेसिकली आपको सिर्फ कुछ के नाम याद रखे हैं, उसके बेसिकली डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, राइट, क्या वो रिप्रेजेंट कर, जैसे कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये क्या आपका एक एप्लीकेशन होता है एड्सॉर्प्शन का, क्लियर। और इसमें क्या होता है, बेसिकली लो ग्रेड सल्फाइड ओर लेते हैं, मार्क कर लो इसमें, सल्फाइड ओर इज कंसनट्रेटेड बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम सिलिका, सिलिका से हम लोग सेपरेट करते हैं किसको, सल्फाइड ओर को, राइट, किस में होता है ये, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में, बेसिकली क्या होता है सल्फाइड ओर के लिए, ये हमेशा याद रखना, इसको मार्क कर लो, स्टार मार्क लगा कर, ठीक है। अब कैटालिसिस की बात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कैटालिस क्या करता है, ये रेट ऑफ अ रिएक्शन को बढ़ाता है विदाउट शोइंग देयर प्रोसेस, राइट, अपने आप को नहीं, वो शो नहीं करता है, बल्कि वो सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, राइट, फास्टर कर सकता है और लोअर कर सकता है, एक्चुअली वो फास्टर ही करता है, ठीक है। और ये अपने आप को एक्सप्रेस इसलिए नहीं करता कि हम लोग जब भी हम केमिकल रिएक्शन बनाते हैं उसमें जब भी कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं उसका कभी भी आप देखोगे उसको इंक्लूड नहीं करते, राइट, तो इसीलिए। अब हम बात करते हैं होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, सिंपली हम लोग जानते हैं कि जो वेन द रिएक्टेंट द कैटलिस्ट आर इन द सेम, जब दोनों रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, जो भी कैटलिस्ट को आप लिए, मोस्टली प्लेटिनम ये सब जो लेते हैं, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, तो ये क्या है आपका, जब हम लोग इन दोनों को रिएक्टेंट स्पेसीज को और कैटलिस्ट को सेम फेस में जब लेते हैं, जब सेम फेस में लेंगे तो वो क्या है आपका, वो आपका होमोजीनियस कैटलिस्ट कहलाता है, क्लियर।
और होमोजेनस कैटेलिस्ट का एग्जांपल भी होता है, ठीक है। तो एग्जांपल पे हम लोग नहीं जाते, सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो मार्क के क्वेश्चन है। बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस कैटेलिस्ट एंड हेट्रोजेनस। तो आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी तो है सिर्फ, लेकिन उसको लाइन बाय लाइन लिखना नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ फोकस रखे अपना अंडरस्टैंडिंग पे कि आप कितना उस पर्टिकुलर टॉपिक को ग्रैब किए हो, ठीक है। ओके, जैसे कि आप हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट के लिए आप अपने आप से बना सकते हो कि जब हम लोग रिएक्टेंट स्पेसीज एज वेल एज जब कैटेलिस्ट को जब हम लोग डिफरेंट लेते हैं, डिफरेंट फेज में लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट हो जाता है। क्लियर, एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट, नेक्स्ट पॉइंट अवर नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली। क्लियर, तो इन सब का मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आपको सिर्फ टू द पॉइंट आपको टॉपिक दे रहा हूँ उसका। इससे आपको क्या कर रहा है, सिर्फ इससे आपकी सिर्फ एनसीईआरटी रीड हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने एनसीईआरटी कवर की। फिर मैं इस पर एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो फिर आपका ऑटोमेटिक लेजर टाइम टेकन में आपका क्या होगा, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा फोकस है, इसका ये सेंस नहीं है कि हम लोग लेक्चर्स इतना तेज तेज टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो समझ में नहीं आएगा, भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ डाउट हम लोग के माइंड में आता है। तो इसको इस पर अभी कंसंट्रेट नहीं करना, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो मैं अभी करा रहा हूँ बता रहा हूँ उसको सिर्फ फॉलो करो, उसको राइट डाउन करो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक में बता दूंगा कि देखो यहाँ से ये टॉपिक से ये फॉर्मूला से क्वेश्चन बन सकते हैं और बने हैं आए हुए, ठीक है। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग रिगार्डिंग में स्टडी कर रहा था उसी का कंसेप्ट मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ बेसिकली, राइट। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो पॉइंट आता है ना, वो हम लोगों के लिए पहले शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट के लिए हम लोग बात करते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट इज गिव द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इसमें कॉमन एग्जांपल होता है उसको राइट डाउन करो, दैट इज कॉल्ड नोन एज जियोलाइट, ठीक है। जियोलाइट जो होता है ये क्या है, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का एक बेस्ट एग्जांपल होता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हनीकॉम्ब होता है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट, तो नोट में साइड में लिख लेना इम्पॉर्टेंट फॉर नीट, राइट। और उसके नीचे राइट डाउन कर लो, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट इज कॉमन एग्जांपल इज जियोलाइट, क्लियर। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और भी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार मार्क कर लो, राइट। जो जियोलाइट जो होता है वो डिपेंड करता है किसमें, साइज एंड शेप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्या साइज है और शेप है, इन दोनों चीज़ पे जियोलाइट जो होता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और जियोलाइट को हम कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं, नेचर से भी ऑप्टेन करते हैं, ठीक है। और इसको सिंथेसाइज किया जा सकता है, सिंथेसाइज कहाँ पे होगा, लैब में होगा, ठीक है। और जियोलाइट का भी जो कॉमन एग्जांपल है, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, किसमें, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, दैट इज ZSM5, राइट डाउन द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ इन मोस्ट कॉमनली यूज जियोलाइट इन द फील्ड ऑफ पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज ZSM5, राइट, ZSM5, क्लियर। जो कि क्या कन्वर्ट करता है, जो कि कन्वर्ट करता है अल्कोहल को पेट्रोल में, राइट, गैसोलीन जिसको पेट्रोल बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर देता है। सो आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट, इन विच वी विल डिस्कस एंजाइम कैटालिसिस एंड देन आफ्टर वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक रिटन इन द एनसीईआरटी बुक, राइट। सो जो इम्पॉर्टेंट होगा उसके बाद टॉपिक वो होगा हम लोगों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि इसमें लिखा तो सारा है लेकिन सारे से अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने लगेंगे तो हम लोग में टूअर्स में जो और टॉपिक बचा हुआ चैप्टर उससे क्या आएंगे फिर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को ये भी एनालिसिस करना इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन कौन टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, क्लियर। ओके, सो अभी मैं एक बार एनसीईआरटी को देख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक अभी बचेंगे हम लोगों के, ठीक है। तो आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें होने वाला है वो होगा आपका प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ठीक है, और इमल्शन दो टाइप टू टाइप्स के होते हैं, राइट, एक होता है ऑयल इन वाटर टाइप एंड वाटर इन ऑयल टाइप्स, राइट। सो तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये है कि आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी के फोकस पॉइंट से जो पॉइंट एनसीईआरटी में दिया हो उसको पहले हम लोग क्लियर आउट कर लें, ठीक है, उसको रीड आउट करें और साथ साथ नोट्स बनाएं उस पर क्वेश्चन डिस्कस करें, जिससे हम लोग का मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी जो एनसीईआरटी की प्रेफरेंस दी जाती है जो फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू मेडिकल एग्जाम्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो कवर हो जाए, राइट। So now thank you very much and share this video as much as you can, because here I am doing
अ वेरी गुड यू कैन से अनबीटेबल हार्ड वर्क फॉर ओनली फॉर यू गाइज राइट सो आई शुड हैव आई जस्ट वॉन्ट टू गेट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस चैनल हु आर स्टिल स्टडिंग विद देयर ओन सेल्फ राइट विदाउट ज्वाइनिंग एनी कोचिंग्स बिकॉज ऑफ देयर यू कैन से नॉट गुड फाइनेंशियल कंडीशंस ओके सो दिस इज दिस चैनल इज बेसिकली फॉर देम सो प्लीज डू शेयर दिस चैनल्स और लेक्चर एज मच एज यू कैन राइट सो नाउ थैंक यू.